और मुझे पैसे दे दो, ओंकार ने दे दिए, मैंने पैसे दे दिए और इतना ज्यादा, और फोन नंबर भी नहीं लिया, उस बंदे का नाम तक नहीं पता। ये फ्रॉड नहीं हुआ यार, मैंने बोला तो फ्रॉड हुआ है। मेरा बच्चा कुकी पुकी पू पू पू। मॉर्निंग एम जी फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और टेडी बहुत ज्यादा बिजी है बाहर भौंकने में, क्योंकि सारे गली के कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, तो टेडी पीछे कैसे रह सकता है, है ना टेडू? टेडू जॉगी बूबू। तो चाय वाय मैंने पी ली हुई है, अब टाइम आ चुका है तैयार होने का, क्योंकि मुझे तैयार होकर जाना है स्टूडियो, और ओंकार भी उधर ही है। और माता जी आप क्या बना रहे हैं? ओहो, ब्रेड ऑमलेट। मैं हो चुकी हूँ तैयार, उधर आंचल शर्मा जी हो रही है तैयार। यार जब से मैं गोवा से वापस आई हूँ ना, मेरी स्किन इतनी ज्यादा गंदी हो गई, मतलब स्किन टैन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो ये फेस पे अजीब अजीब से दाग से पड़ जाता है ना, वो मुझे देख के बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होते। ऊपर से स्किन ऐसे बड़ी खुद इतनी ड्राई ड्राई सी लग रही है, आई डोंट नो कि मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर ये गोवा के ट्रिप की वजह से हो रहा है। चलो जो भी, मैं ऐसा कुछ खास कर भी नहीं रही हूँ कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए, ना मैं पार्लर जा रही हूँ, ना मैं खुद पे कुछ होम रेमेडी कर रही हूँ। एक बार की थी, उसके बाद मैंने कुछ मुड़के किया ही नहीं है, और आज शायद हम रील्स बनाए तो मेरी नेल पेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट। सबसे पहले मैं करूंगी इसको रिमूव, मैं ना ब्रेकफास्ट करने लगी उस चक्कर में मेरी नेल पेंट रह गई रिमूव होने के लिए, तो मैं पिक कर लेती हूँ नेल पेंट रिमूवर, अब मैं स्टूडियो जाके करूंगी। मतलब कि यहाँ पे शादी की तैयारियां चल रही है, कोई सूट सिलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने तक एक दिन निकाला, सिर्फ एक दिन, जहाँ पे मैं स्टिचिंग को एक कपड़े देके आई हूँ, वो भी सिर्फ दो सूट। पता नहीं मेरा क्या होने वाला, बाय गॉड। पिंक सूट की जितनी आप हां, क्यों सूट की बातें करी जा रहे हो? कोई सूट नहीं जा रहा बढ़िया। हेलो अंकल। हेलो, कैसे हो? बढ़िया अंकल। कैसा लगा अकेले स्टे करके यहाँ पे? नॉर्मल। फ्रीडम नहीं फील हुई? हाँ, वैसे हुई, अपनी मर्जी से। मैं रजाई ले रहा था, उतार रहा था, पक्का ऑन कर रहा था, टीवी देख रहा था, हाँ अपनी पसंद का। स्टूडियो आते मैं लगी हूँ अपनी फिटनेस वाली वीडियो का काम करने, और ओंकार और पापा लगा हुए हैं घर का छोटा मोटा जो काम करवाना है वो सब करने। दोपहर हो चुकी है और भूख लगे बहुत ही जोरों से, परंतु अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें आज खाने के लिए, दाल है, साग है, रोटी है, चावल है, पालक और आलू है। और इधर अंचल शर्मा जी लगी है सैलेड की तैयारियां करने। क्या बात है अंचल, क्या कर रही है अंचल? होम साइंस का कोर्स किया हुआ है यार। नींबू निचोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो गई है यार इस मौसम में ना। मन कर दे, चाकू है तेरे पास? मेरा भी मक्खी का। आपका ज्यादा इजी है, मक्खी का करना ज्यादा डिफिकल्ट है, पता है? बहुत सारी मक्खियां हैं यार यहाँ पे। ये मेरे को लग रहा है आपके घर के आई हैं। क्यों? हाँ बोल बोल। चीजों पे लग जाती है ना मक्खियां। वो देखो आपके आसपास ही बन रही है। तो लंच हमने कर लिया हुआ है, और ना मैं आप सबके साथ ना एक ना बात शेयर करना चाहती हूँ। ये जो हमारे ओंकार रंधावा जी है ना, इनके साथ हुआ है बहुत ही तगड़ा फ्रॉड। मतलब हमने यहाँ पे लगवाना था घास और फूल पत्तियाँ, परंतु ओंकार ने जिस माली को बुलाया वो माली गायब हो चुकी। पहली बात, और पैसे दे दिए। माली खुद आया, स्वयं खुद आया। हाँ। माली ने बोला कि मैं यहाँ पे ये सारा काम कर और मुझे पैसे दे दो, ओंकार ने दे दिए। मैंने पैसे दे दिए और इतना ज्यादा, और फोन नंबर भी नहीं लिया, उस बंदे का नाम तक नहीं पता। नहीं, नाम पता है मुझे। क्या नाम है? कुलवंत है या कुलदीप है? कुछ भी बोल दू, कल मैं बोल दू मेरा नाम कुछ है तो तुम मान लोगे? शांति है, कोई नहीं सकता तेरा, मैं कभी नहीं मानूंगा तेरी हरकतों से तेरा नाम शांति कभी नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ है एक्चुअली। बंदे ने ना जिस टाइम मैंने उसको पैसे दिए, कहता मैं घंटे में आके काम शुरू कर रहा हूँ, तो वो कल आया नहीं। उसके बाद मुझे लगा चलो आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ? अरे नहीं, फ्रॉड नहीं हुआ यार, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। अगर फ्रॉड होता ना वो बंदा आता ही, आज सुबह फिर आया था। आया था, कहता मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में काम करने। वो डोज दे रहा है तुम्हें, शुगर आज भी 1000 रुपए लेने आया होगा। वो बोलता हूँ आज भी ले जाता हूँ 1000 रुपए, ये बंदा बड़ा मस्त है। नंबर भी नहीं लिया, बस पैसे दे दिए। पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मिट्टी विट्टी डल चुकी है, तो जल्द ही, बहुत ही जल्दी यहाँ पे मतलब कि फूल पौधे
हरी 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 घास हरी हरी घास होगी, मतलब फिर हम ना धूप सेका करेंगे यहाँ पे। ओंकार है मुझे ये बताओ ये काम चल क्या रहा है? कौन सा? ये सब ये जो हो रहा है तारों तुरों का, वो अंदर से आएगी ना, बाहर से अच्छी नहीं लगती। क्या? अच्छा वो तारों की फिटिंग कर रहे हैं प्रॉपर? हाँ। वो इंटरनेट वाले आए थे उनसे तो वो हुआ नहीं था, तो बिजली वालों से ही होना था। तो ये देख छोटा गीजर, गीजर का बच्चा हुआ है, मुबारक। अच्छा तो लग ठंडे पानी से ही धोने पड़ेंगे। सर्दियाँ आई नहीं ना और मैंने कभी बर्तन धोए नहीं, तब मैंने वहां तक सोचा ही नहीं। ये ऊपर लग जाएगा। ये कितने लोगों को कार को देख के ऐसा लग रहा है कि इसका मुंह धो दूं। मुझे खुद को ही लग रहा है, लोग खुद क्या पूछ रही है। नहा धो लेते, बाल ये तो पॉम कर लेते, कुछ तो कर लो। मैं बाहर जाता हूँ अब, सुबह से लगाऊंगा काम करवा रहा हूँ, जब गंदा होना ही है तो नहा के गंदा क्यों, गंदा होके नहाऊंगा ना। ये सोच सोच के कुछ बच्चे नहाते नहीं, उम्र भर ही नहीं नहाते, 15-15 दिन नहीं नहाते। जैसे तू? हाँ मेरे बच्चों ने बहुत फर्क किया हुआ है, बचपन से ही नहीं नहाई तू तो। अब जाके हुई है मेरी मुक्ति गौतम वाली वीडियो अपलोड, और यार अभी ना हमने जाना है जिम, परंतु अभी हम जा नहीं सकते, कम से कम आधा घंटा हमें और लगेगा यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि प्री वर्कआउट मील ले लेते हैं, और यार यहाँ पे हमारे पास रस, पीनट बटर और शहद, और ये ना मेरी फेवरेट एक तरीके से स्वीट डिश, हेल्दी फेवरेट स्वीट डिश है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे नहीं पता है दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा, पर यह खाने में इतना ज़्यादा यम्मी लगता है ना, बाई गॉड। मज़ा आता खा के इसको। और काफ़ी लोग ये सोच होंगे कि ये गोल कौन सा रस है यार। एक्चुअली पहले हम जो नॉर्मल स्क्वायर रेक्टेंगुलर से रस होते हैं वही खाते थे, परंतु एक दिन ना मम्मी रस लेके आई, मैं दिखाती हूँ आपको कौन से ब्रांड का ये। ये ट्रीट का रस है, एक बार ये ट्राई करके देखना, मतलब ये इतना क्रंची और इतना यमी है ना, मतलब मैं इतना ज्यादा रस खाना पसंद नहीं करती हूँ, पर ये वाले रस बहुत ज्यादा यमी है, बहुत यमी है। बट इसकी एक दिक्कत है, ये वाटरप्रूफ है, मतलब इसको आप दूध में डुबो के ऐसे खा नहीं सकते, चाय के साथ नहीं खा। ये नहीं मैंने ट्राई किया, मैं इसके ऊपर चीज़ लगा के खाती हूँ, तो मतलब वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसका टेक्सचर ना नॉर्मल रस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये गोल वाले रस ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब जाके हुए हम फ्री, ओंकार पता नहीं क्या करने में बिजी था, तारे तुरे जुड़वा रहा था इधर से उधर, उधर से इधर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, जरूरी चीज। हाँ डांस कर रहा था क्योंकि सोच रहा है कि डांस इंडिया डांस में ऑडिशन देना ना मैंने, या फिर अपनी शादी में स्पेशल परफॉर्मेंस दूंगा मैं माइकल जैक्सन वाली। ओ माय गॉड, मैंने तो प्री वर्कआउट मील ले ली क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैंने करना है वर्कआउट। तुम ये बताओ तुमने जिम जाना है? बेटा मैं सुबह से वर्कआउट कर रहा हूँ, तुझे अब जाके वर्कआउट करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इतना ना बंदा जिम में कार्डियो नहीं करता उससे ज्यादा मैं घर में कर चुका हूँ आज। और अगर मैं मतलब अभी ये होते हैं बहाने, पर ये बहाना है, ये तो लिटरली बहाना है। बहाना नहीं है, मैं ये बहाना ही है, सुबह से वर्कआउट कर रहा हूँ। ये सुबह से वर्कआउट कर रहा है? हाँ। ओंकार प्लीज यार, मैंने तारे उठाई है, एग्जांपल्स मत दिया करो। 12 किलो की तारे उठाई है, कुछ नहीं किया तुमने। वॉक पे चलना, वॉक मैंने आज कार्डियो बहुत करा है, मेरा तो डन है, तूने कुछ नहीं किया है वो अलग बात है। इस इंसान से बहसने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं तो तैयार ही बैठा हूँ, मैं 4 से तैयार बैठा हूँ, 7 बज गए, इतने में तो मैं 2 जिम जाया था, चलो अब 3 बार चलते हैं। ये सपनों में ख्यालों में गया, जल्दी से रेडी हो जा, जल्दी से 2 दे मेरे, वस्त्र पहन लिया और टाइम आ चुका है जिम जाने का। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठ के आज जिम जाऊंगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि नींद नहीं उठी। क्यों बोलने लगी है वस्त्र पहन लिए परंतु, अगर तू अगर इतना कुछ बोली थी तो जिम भी मत बोल, अलग बात है, मेरी जिंदगी में कभी नंबर नहीं आया। अकाड़े जा रही हूँ कुश्ती करने। हाँ मैं अकाड़े जा रही हूँ वर्जिश करने। चलो चले, हमारा वर्कआउट खत्म और आज था पुश डे, पुश कर करके ना मेरा तो पुश हो गया। जो लास्ट जिम की वीडियो बनाई थी उसमें भी हमारी चेस्ट थी।
तो अभी भी फिर चेहरे लोग बोलेंगे पुश ही करते रहते हैं। नहीं कल बात हमारा नहीं है कि हर वर्कआउट हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये भी है। और ऐसे मेरे हाथ उखड़ा बहुत ही तगड़े तरीके से। अब जा रहे हैं हम घर। नींद आ रही थी मेरे को। कहती मम्मी रोटी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे को सोते सोते रोटियों की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा उठ के खा ही लेते हैं। टाइम आ चुका है डिनर करने का। पानी आज बना है बहुत ही सीधा साधा खाना, पीली दाल और साथ में फ्रांस भी। डिनर करके आ गया मजा। और अब मैं लगी हूँ सोने, क्योंकि सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि कल अब बहुत सारे काम। तो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और जाऊँ जिम। कोशिश पूरी रहेगी सुबह उठने की, क्योंकि अभी वर्कआउट किया, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल से उठा जाएगा, बट स्टिल आई ट्राई। एंड दैट्स इट गाइस, मैं आपको मिलूंगी कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, चबक है, बाय गाइस।